नमस्कार, सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस खास कार्यक्रम में हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको उन शख्सियतों से मिलवाएं जिन्होंने सफलता के शिखर पर पहुंचकर अपना परचम लहराया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं रिशिता गुप्ता। रिशिता ने साल 2018 की सिविल सेवा परीक्षा में 18वां स्थान प्राप्त किया है। रिशिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इसके अलावा हमारे साथ हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के एक्सपर्ट AK मिश्रा। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सक्सेस स्पीक्स की। रिश्ता, आपसे शुरुआत करता हूँ। सो बचपन किस तरह का था? सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 18वां स्थान प्राप्त किया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये ड्रीम कम ट्रू है। इसके लिए काफी एफर्ट्स किए, मेहनत की, तो अब इट फील्स गुड। तो शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह का बचपन रहा, कुछ परिवार के बारे में बताएं, किस तरह का माहौल रहा परिवार में? मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ दिल्ली में ही, और मेरी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो बचपन से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट था। पेरेंट्स ने हमेशा पढ़ाई के टूवर्ड्स सपोर्ट किया, इनकरेज किया, और ग्रेजुअली जाके ये था कि कुछ अच्छा एस्पिरेशन रखना है, कुछ अच्छा करियर बनाना है। तो क्या बचपन से ही आप ये सपना था कि सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है, या कुछ उस समय तो बहुत सारे अलग अलग सपने होते हैं, तो उस समय क्या सपना था? बचपन में तो सिविल सर्विसेज का नहीं था, बचपन में तो डॉक्टर बनने का ख्वाब था, पर कुछ कारणोंवश डॉक्टर का नहीं मैंने सोचा, फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी की। कॉलेज में जब आई तब सोचा कि सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहिए। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि एक सही शुरुआत एक सही फाउंडेशन से होती है, तो कितना ज़रूरी है छोटी ही उम्र से अपने लक्ष्य को स्थापित कर लेना या समझ लेना कि मुझे जीवन में क्या करना है या किस तरह से अपने आप को पॉलिश करना चाहिए? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है अपने लक्ष्य के प्रति या जो भी आगे करियर चुनना है उसकी जागरूकता। उसके लिए देर और सवेर की कोई खास बात नहीं, जब इंसान जागता है तभी बात हो सकती है, लेकिन आइडियल कंडीशन ज़रूर है कि ग्रेजुएशन के दौरान में ही यदि कुछ एक आइडिया फॉर्म हो जाए कि किस लाइन में मुझे ग्रो करना है तो अच्छा रहेगा। और रिशिता की जो जानकारी है उसके हिसाब से जो उन्होंने जागरूकता अपने मन में लाया वो बहुत सही समय पे लाए। ये ग्रेजुएशन कर रही थी, उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, IAS बनना है, तो उसके कारण से इनका जो सारा एफर्ट है वो फोकस्ड हो गया, एक डायरेक्टेड हो गया, और उसी के अकॉर्डिंगली घर का माहौल बन जाता है। फिर कोई टाइम जो वेस्टेज, कॉलेज का टाइम जो नॉर्मली स्टूडेंट्स काफ़ी सारे अपने वेस्ट कर डालते हैं, उनको लगता है कॉलेज का टाइम है, खेलने कूदने का टाइम है, अभी बहुत अभी तो बाद में देखेंगे, लेकिन वो समय बहुत क्रुशियल होता है। और रिशिता का जो ये एफर्ट है, ये जानकारी, वो बहुत सराहनीय है कि बहुत समय में देखा और इसी का परिणाम है कि आप देखिए इतना बढ़िया रैंक, ऑल इंडिया में 18th रैंक, वो भी पहले अटैम्प्ट में ही इन्होंने कर दिया, पहला एग्ज़ाम दिया और इस रैंक पर पहुँचे। तो मेरी सलाह में हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को ग्रेजुएशन के दौरान ही या कम से कम फाइनल ईयर आते आते ज़रूर क्लियर हो जाना चाहिए कि उनको करना क्या है और फिर फोकस्ड हो जाना चाहिए। बिल्कुल। जैसे सर ने बताया कि गोल आपका स्थापित हो जाना चाहिए, तो कितना मदद किया इसने? आप डॉक्टर बनना चाह रही थी, ऑफकोर्स उसके लिए भी आपने एफर्ट्स डाले होंगे, तो उसने भी मदद किया क्योंकि आप फोकस थी, गोल था, चाहे पहले MBBS का रहा हो और बाद में IAS का रहा हो, पर इस जो आपका फोकस्ड अप्रोच थी, इसने आपको मदद करी? ये सर, इसने काफ़ी मदद करी क्योंकि शुरू से फिर वो मेहनत करने की आदत हो गई, और 11th 12th में साइंस थी तो एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप वहीं से होने लग गई थी कि चीज़ों को सोच कर करना है, कंसेप्ट्स पे काम करना है, तो वो चीज़ें वहीं से मेरी डेवलप होने लग गई थी, तो उसका काफ़ी रोल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये कैसे डेवलप की जाए? इनकी शायद साइंस की वजह से डेवलप रही, पर कैसे अपने आप को, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाए सर, बाकी हमारे दर्शकों के लिए? सबसे पहले तो ये बहुत ही एक नॉलेज करने वाली चीज़ है जो रिशिता बता रही हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। ये एक लीडरशिप की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो लोग कॉमन लोग सोचते हैं उससे थोड़ा आप अलग और ज़्यादा ही प्रिसाइज आप सोच सकते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिएट ब्रीफ एंड क्लियर सोचना। तो ये एक प्रोसेस है, एक एक्सरसाइज है, जैसे हर चीज़ को इंसान एक्सरसाइज करता है, वो ये भी एक्सरसाइज है कि किसी भी विषय वस्तु पर सोचे। और साइंस के अंदर में वो एक साइंटिफिक अप्रोच तो आ ही जाता है कि किस प्रकार से करना है, लेकिन इसको शार्पन करने का तरीका ये है कि किसी विषय वस्तु पर हम उसको या तो बच्चों को ट्रेन करें उसके हिसाब से जो हैं, या टीचर्स का भी यही रोल होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल डेज में किसी यंग बच्चे को इस सब चीज़ का आइडिया नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे यही एक फिर जब एक कैंडिडेट सीख लेता है तो उसको कोई भी इश्यूज़ जैसे मान लीजिए आ रहा है न्यूज़पेपर में ही पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से एक तो है जनरल रीडिंग लगाना, एक है कि उस विषय वस्तु थोड़ा गहराई से सोचना, और कुल मिलाकर एक लैटरल थिंकिंग करना। इसलिए सिविल सर्विसेज में मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ताकि कोई भी कैंडिडेट एक स्पेशलिस्ट के जैसा ना सोचे,
सारे विषय वस्तु से सोचे, कोई भी मुद्दा है, हिस्टोरिकली भी सोच सकता है, इकोनॉमिकली भी सोच सकता है, पॉलिटिकली सोच सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ भी सोच सकता है। तो मल्टीपल थिंकिंग है और ये स्टूडेंट को स्टार्टिंग से, खास करके सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में शुरू से ये डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल। सो रिश्ता, आप किस, जब 12वीं के बाद MBBS का तब ड्रीम था, तो किस तरह से उसमें जब आप आगे बढ़ रही थी और आपने सोचा कि चलिए किसी कारणवश नहीं कर पा रही हूँ और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देती हूँ, एक और मुश्किल लक्ष्य को आपने चुना जो कि उससे भी मुश्किल है, MBBS भी आसान नहीं है, उस समय परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या लोगों ने कहा कि अरे वो ज़्यादा आसान है, क्यों इस तरफ जा रहे हो, अनसर्टेनिटी है, तो कैसा उस समय रिएक्शन था सभी का? एक्चुअली मेरी फैमिली ने ही मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम किसी भी कारणवश मेडिकल में नहीं जा पा रही हो तो सिविल सर्विसेज एक अच्छा करियर है, तुम मेहनत करना जानती हो, पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो, तो सिविल सर्विसेज में कर सकते हो। तो फैमिली का सपोर्ट था, उन्होंने कभी डिस्करेज नहीं किया कि अनसर्टेन है, उनका बस यही था मेहनत करते रहो अपने लक्ष्य के टूवर्ड्स, तो सफलता मिलेगी। और जनरली मैंने देखा कि इट इज़ अदर वे राउंड, कि बच्चे अपने परिवार से कहते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना चाहता हूँ और सर परिवार बोलता है कि नहीं मुश्किल है। आपके परिवार में, क्योंकि उन्होंने ये एडवाइस दिया, तो क्या कहीं से, क्या परिवार में कोई IAS रहे हैं या किसी को देखकर उनको भी लगा कि नहीं रिशिता को भी इनके जैसा बनना चाहिए? नहीं, परिवार में तो कोई दूर दूर तक नहीं है क्योंकि बिजनेस फैमिली है मेरी, तो बस सबको ये था कि कुछ अच्छा एक एस्पिरेशन होता है तो इंसान करियर में आगे भी अच्छा डेवलप कर सकता है, एक लॉन्ग टर्म अच्छे करियर के लिए शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छी शुरुआत सिविल सर्विसेज इंडिया में दे सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए शुरू। सर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ़ यू एम फॉर द स्टार्स यू विल एटलीस्ट एंड अप इन द स्काई, वो परिवार ने ही बोला कि आप IAS या सिविल सर्विसेज की, जो देश की सर्वोच्च परीक्षा, उसकी तैयारी कीजिए। कितना इंपॉर्टेंट है परिवार की तरफ से ये बात आना और अपने बच्चों का एक लक्ष्य, एक उच्चतर लक्ष्य स्थापित करना। परिवार का बहुत बड़ा रोल है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक लंबा प्रोसेस है, खास करके स्टूडेंट को बहुत सारे साइकोलॉजिकल इमोशनल उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है कैंडिडेट को। तो यदि घर में पेरेंट्स, घर के माहौल में भी लोग यदि उसको इनक्रेज करने के लिए शामिल हो जाए तो बहुत, एक तो इंटरेस्टिंग हो जाती है जर्नी, और जहाँ जहाँ भी मान लीजिए कोई स्पिरिट लो हुआ, डाउन हुआ, तो उसमें ये बड़ा बूस्ट करता है। एक बहुत फैमिली में मैंने स्टूडेंट्स को देखा इस प्रकार के कि पूरा ही माहौल ही चेंज हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और रिशिता को ये चीज़ प्राप्त हुआ, खास करके इनकी मदर से जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इनके फादर का डेथ जो है जब ये 12th पे थी तभी हो गए, तो इनकी मदर का बहुत बड़ा रोल था उसमें और उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो वो मोटिवेशन जो है ऐसे मोमेंट में जब घर में इस तरह की ट्रेजडी हो जाए, कोई साधन विषय वस्तु नहीं है, और उसमें काफ़ी यंग रही होंगी जिसमें कि सिचुएशन आया, तो ये सराहनीय है इनके लिए और ऐसा हम चाहते हैं कि ऐसे माहौल घर पे होना चाहिए सब। फाइनली आपने डिसीजन ले लिया कि IAS सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आपने प्रिपेयर करना है, तो अक्सर देखा गया है कि इतना वास्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हर कोई राय दे रहा है, किस तरह से, कहाँ से पहला स्टेप लिया, कहाँ से शुरुआत करी? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट और कॉम्पिटिटिव है, तो हम अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत सिंपल तरीके से रखें। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप हर चीज़ पे एक कॉन्सेप्ट बनाएं, जैसे सर ने कहा कि हर विषय वस्तु पे आप हर तरह से सोच पाएं, तो चाहे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे घर पे खाली एक दीवार को भी अगर आप देख रहे हैं तो उस पे भी आप एक कॉन्सेप्ट बना सकें। तो सबसे पहले तो आपको वो चीज़ें शुरू करनी चाहिए। मैंने फर्स्ट ईयर में अपने वो चीज़ें करी, उसके बाद जब लगा कि हाँ अब थोड़ा दिमाग उस तरह से सोचने लग गया है तो फिर NCERTs, बेसिक NCERTs, क्योंकि क्या होता है स्कूल के समय में हम उनको अलग तरीके से पढ़ते हैं, एग्ज़ाम अब UPSC में हमें उन्हें लिंक करके पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को एक साथ सोचना है, तो वो हम करें। और साथ ही साथ एक न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, पर उस न्यूज़पेपर से आप समझें कि आपके देश में और आपके देश के आसपास विदेश में क्या हो रहा है, उन घटनाओं से आपके देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आप एक एज एडमिनिस्ट्रेटर क्या सोच सकते हैं, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर को हर तरह की सोच रखनी है, उसको हर तरह के डिसीजंस लेनी है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सोच जो है वो डेवलप करनी चाहिए थ्रू न्यूज़पेपर्स और बेसिक किताबें। तो ये चीज़ है कि आप सिंप्लीफाई करते जाएं, कॉम्प्लिकेट ना करें चीज़ों को। बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसी पे आपसे जानना चाहूँगा कि रिश्ता ने बोला कि हर चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल आप दीवार ही देख रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट आप उस पर बनाए चाहें, इस पर थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि क्या इस बात से मतलब है कि कैसे स्टूडेंट अपने आप को उस लेवल तक ला सके जिसके बाद वो समझे कि हाँ अब मैं तैयार हूँ, तो ये कैसे करना चाहिए? देखिए यही एक खासियत है कि जो एक माइंड जो का प्रिपरेशन है एज एन IAS एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जिस पर मैं भी बहुत जोर देता हूँ, कि ये प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज का सब्जेक्ट का प्रिपरेशन नहीं है, अपने आप का प्रिपरेशन है
कि आप अपनी सोच, अपनी बोलने की शक्ति, क्षमता सारे जो है ऑफिसर के रूप में डेवलप कर सके। आपने देखिए, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो रिशिता ने सबसे पहले ही क्या रिस्पॉन्ड किया कि एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है, वाइड है, लेकिन आपको स्ट्रेटजी से सिंप्लीफाई करना है। इन्होंने ये बात नहीं की कि डिफ़िकल्ट उसको और बन जाएगा। इसका मतलब है कि रूट टू सक्सेस इज ऑलवेज सिंपल। आप कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, काम बहुत बड़ा हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मैं कहता हूँ कि हाउ टू ईट एन एलिफेंट, तो यूपीएससी सिलेबस इज ऑल्सो लाइक एन एलिफेंट। तो हाउ विल यू डू दैट? यू हैव टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। उसको आप उसको कट इन टू पीसेस करेंगे, एक एक बाइट आप लेंगे एंड यू विल फिनिश द एलिफेंट। उसी प्रकार से सिविल सर्विस, इन्होंने क्या कहा कि वो चीज़ें को सिंप्लीफाई करना फर्स्ट थिंग। सेकेंडली क्या है कि इवन यदि ब्लैंक वॉल है क्रिएट करना, ये एक एज एन ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर जब ये जाएंगे किसी भी जगह पे, तो बहुत सारी चीज़ें एकदम वीराना लगेगा, बैरन लगेगा। वहाँ ये क्रिएट कर पाएगी कि ये यहाँ भी कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, यहाँ सिटी बच सकता है, यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। यही एक ताकत है जो एक ऑफिसर के अंदर एक जो एग्जामिनर देखना चाहता है। तो जब इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि ब्लैंक वॉल में भी एक क्रिएट करने की ताकत, तो ये एक है कि जहाँ कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, जहाँ दूसरों को ब्लैंक दिख रहा है, तो उस जगह भी बनाना। इन्होंने कहा अखबार पढ़ रही हैं, कोई न्यूज़ आ रहा है, कोई सिचुएशंस आ रहा है, तो पूरी थिंकिंग को उसी ढंग से शार्पन करना कि आपकी जो पूरी अप्रोच एंड एडमिनिस्ट्रेटर हो जाए और आप एक डिसीजन मेकर, प्रॉब्लम सॉल्वर और एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ डेवलप हो। यही इस एग्जामिनेशन का क्रक्स है। और जैसे ये डेवलप हो जाता है तो जो जटिल लगता है सिलेबस, वही फिर आसान लगने लगता है। रिश्ता, एक तो कॉन्सेप्ट आपने बहुत क्लियर किया, सिंप्लीफाई किया, पर मार्गदर्शन जो है, एक सही मार्गदर्शक का होना इस पूरी जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से सही मार्गदर्शक का चुनाव किया जाना चाहिए? मार्गदर्शक का मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने केस में बताऊंगी कि मेरे मामा जी थे जिन्होंने मेरे को मार्गदर्शित किया। उन्होंने शुरू से ही बताया कि किताबें तो तुम 100 भी पढ़ लोगी, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कि तुम सोच को अपनी सही रखो। तो आपकी सोच एक साल के एग्ज़ाम के लिए नहीं, 50 साल की सर्विस के लिए होनी चाहिए। तो वो सोच से उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित रखा, इंस्पायर्ड रखा। तभी मैं 100 किताबें भी अगर एक टॉपिक पे पढ़ लूँ तो मुझे लगता नहीं था कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ। तो हमेशा ये था कि कुछ नया सीखूंगी, एक क्यूरियोसिटी वाले दिमाग से, क्योंकि हम एक यूथ हैं 22-23-24-25 साल के, और हमारी जनरल माइंडसेट क्यूरियस होना चाहिए। तो उस तरह से मेरे मार्गदर्शन ने कहा कि क्यूरियोसिटी से इसको अप्रोच करो, ये नहीं कि कुछ बहुत मुश्किल को लाइफ में कुछ आ गया है, उस तरह से। सर, आपकी दृष्टि में मार्गदर्शन कितना ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर बहुत सारी किताबें हैं, स्टूडेंट्स मैंने देखा है बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं सिलेबस, और मतलब उनको वो पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस आप ही के शब्दों में अगर कहूँ तो हो जाता है। तो किस तरह से उस सिचुएशन से बचा जा सकता है और एक सही स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है सक्सेसफुल एग्जामिनेशन के लिए? देखिए, मार्गदर्शक का रोल वैसे ही होता है जैसे एक टॉर्च बेरर का होता है कि आपके आगे के चल रहा है कि आप जाना कहाँ। दौड़ने की क्षमता, आगे बढ़ने की क्षमता, वो तो एक कैंडिडेट के अंदर होगा, लेकिन मार्गदर्शक के हिसाब से एक जो डायरेक्शन मिलता है कि उसका डायरेक्शन क्या लेना है। जैसे उन्होंने अपने मामा जी की से रेफरेंस किया कि भाई 100 किताबें पढ़ोगे लेकिन अल्टीमेटली जो है तुमको उसमें क्या करना, और उन्होंने ये कहा उसको कि नहीं, 2-4 साल के लिए नहीं, अगले 40-50 साल जॉब में रह करके क्या करना है उसको सोचना। तो एक यंग बच्चे के अंदर में एक विजन डालना कि कहाँ तक तुमको जाना है, उसके बारे में सोचो। आज के सिर्फ सोचो कि आज एग्ज़ाम देना है तो इसमें कुछ पास करना है, जैसे खास करके यूनिवर्सिटी एग्जाम में वही डिफरेंस हो जाता है सिविल सर्विसेज में कि वहाँ पढ़ाई करना है लेकिन सब्जेक्ट का ज्ञान लेना, आपको विषय वस्तु का जानना। लेकिन यहाँ क्या है कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका एक पर्पस है, और वो पर्पस है कि जब आप ऑफिसर बनेंगे तो उस ज्ञान का आपका इस्तेमाल क्या करने होने वाला है जी। तो स्टडी विथ ए पर्पस, स्टडी विथ ए कॉन्सेप्ट कि हमें जाना क्या है। तो इसलिए मार्गदर्शक का रोल यहाँ बहुत अहम हो जाता है कि आपके बीच बीच में ऐसे इसका बताए, डायरेक्शन दे कि आपको शेप क्या करना है स्टडी का। जी जी जी। और रिशिता, अक्सर देखा गया है कि बच्चों को लगता है या सभी को लगता है कि अगर आप आईएएस या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो आपको बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है और बहुत 12-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। तो क्या ये सही है? क्या आप भी बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही हैं अपने थ्रू आउट स्टूडेंट करियर में, या क्या है इसके बारे में अगर बात करें तो? ये मुझे लगता है एक मिथ बना हुआ है कि इंटेलिजेंट या टॉपर लोग जो होते हैं वही एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, और ये मिथ पिछले काफ़ी सालों में लोगों ने तोड़ा भी है। तो मैं शुरू से एकेडमिक्स में रही हूँ बट कभी ऐसा नहीं था कि टॉपर रही हूँ, अबव एवरेज था, कि पढ़ाई में इंटरेस्ट था। तो इंटेलिजेंस जो है वो आपके नंबरों से या उससे डिफाइन होती नहीं है, आप कितनी स्मार्टनेस से और कितने विलिंगली काम करते हैं
एक बच्चा 4 घंटे में भी वो चीज़ें कर लेता है जो 20 घंटे में भी नहीं कर पाता। तो आप एफिशिएंसी जैसे लाते हैं, जैसे कंसेप्ट पे जाते हैं, जैसे चीज़ों को पकड़ लेते हैं, तो उतना कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई गधा मजदूरी नहीं है ये एग्ज़ाम। इट्स अबाउट हाउ स्मार्टली यू हैंडल एंड हाउ एफिशिएंटली यू डू। बिल्कुल। और जब स्ट्रैटेजी बनाई थी आपने एग्ज़ाम की, जब आपको एग्ज़ाम देना था, तो क्या सोचा था कि 1 साल की स्ट्रैटेजी थी या वो 5 ईयर स्ट्रैटेजी थी कि एक बार नहीं होगा तो सेकेंड टर्म में, ये कोई बैकअप प्लान भी था कभी? नहीं, मैंने हमेशा सोचा था कि एग्ज़ाम एक ही अटेम्प्ट में देना है, इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी में वो हर चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड थी जो मैं सोचती थी कि अगर मुझे गलती से 3रा या 4था अटेम्प्ट देना पड़े तो मैं तब करूँगी। तो मैं उन टॉपर्स की वीडियोस देखती थी जिनका 3रे 4थे अटेम्प्ट में हुआ है, और देखती थी उन्होंने क्या गलतियाँ करी जो मैं कोशिश करूँ कि मैं अपने पहले ही अटेम्प्ट में उसको ना करूँ। तो चाहे कोई किताब 15 बार भी रिवाइज़ करनी हो, 20 बार भी, तो मैं इसको उसी समय कर लेती थी ये सोच के कि अगला अटेम्प्ट ना देना पड़े, एक ही अटेम्प्ट में मैं इसको अचीव करके। और वो आपने किया भी। सर, आपके हिसाब से क्या कोई ऐसे टिप्स हैं या कोई ऐसी गाइडलाइंस हैं जिससे स्टूडेंट अपने आप को घर में ही बैठ के इवेल्यूएट कर ले कि मैं दे सकता हूँ या मैं नहीं दे सकता हूँ? क्योंकि लोग अक्सर मैंने देखा इस राह पर चल तो पड़ते हैं पर फिर सेल्फ डाउट और बीच में कहीं ना कहीं वो छोड़ देते हैं, तो क्या ऐसे भी कोई मंत्र हैं कि आप अपने आप को असेस कर सकें, सेल्फ असेसमेंट? देखिए, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुका है, खास करके जो प्रोग्राम हम लोग आज दे रहे हैं, जहाँ 200 एपिसोड हम दिखा चुके हैं, और वो सारे रिश्तेदार जैसी प्रकार के सक्सेस स्टोरी हैं जो हमने दिखाया है कि कोई पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करता है, कोई 6 तक भी हमारे यहाँ आया है। तो हमने इसी चीज़ को बताने की कोशिश की है कि क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं और क्या क्या मिस्टेक हो सकते हैं। एक तो ये इस बात को जरूर देखना चाहिए, खास करके सक्सेस वीक्स के बहुत सारे एपिसोड्स हैं हम लोग के यूट्यूब में, उसको भी देखना चाहिए। रिशिता ने क्या कहा कि पिछले कैंडिडेट्स के साथ हमने हर अटेम्प्ट पे देखा, स्टडी की, देखा क्या मिस्टेक उन लोगों ने किए जो मुझे नहीं करना। तो बेसिकली एक हिस्ट्री से कहते हैं कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, एंड दो जो डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दे आर बाउंड टू रिपीट मिस्टेक्स टाइम एंड अगेन। तो वो जरूरी नहीं कि खुद फेल हो तब सब चीज़ की जानकारी हो, दूसरों के फेलियर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये ऑलरेडी आजकल वेबसाइट्स पे, गूगल्स पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कैंडिडेट्स अपने सक्सेस की स्टोरी। बट उससे भी ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इवेल्युएशन का, कि यूपीएससी ने बहुत साइंटिफिकली सिलेबस को डिज़ाइन किया है, और ये सिलेबस को समझने की कोशिश किताब पढ़ने से पहले और बहुत मोटी मोटी किताबों में जाने से पहले और पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन, 3 साल 4 साल क्वेश्चन को देखना और फिर एक डिज़ाइन करना कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मेरा स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है इसमें, फिर उस पर वर्क करना, एक प्रॉपरली एक डेवलप करके स्ट्रैटेजी, और जो पहले के कैंडिडेट्स ने बात की है अपने मिस्टेक्स को, उसको भी ध्यान रखते हुए। फिर अब हर कैंडिडेट की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, दूसरे की फॉलोअप सीधे कॉपी नहीं हो सकती। रिशिता ने भी वही बात को रिफ्लेक्ट किया है कि हमने अपनी बनाई कि मुझे 1 साल में करना है, तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, 1 साल के अंदर क्या क्या त्रुटियाँ आ सकती हैं, प्रॉब्लम सब जज कर लिया इन्होंने। तो वो किसी भी क्षण से पहले आपकी पूरी योजना यदि तैयार है कि मेरा रूट प्लान क्या होगा, जाना कहाँ है, तो आप भटकने से बचते जाएंगे और बीच बीच में अपने डायरेक्शन रूट को चेक करेंगे कि मेरा डायरेक्शन कितना दूर रह गया जी। एक GPS आपने सेट कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली आप चलते जा रहे हैं, तो ये एक सारी प्रोसेस होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रिश्ता, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। सक्सेस स्पीक्स में अभी वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, आप कहीं जाइएगा नहीं, रिशिता गुप्ता के साथ हमारी एक खास बातचीत जारी रहेगी ब्रेक के उस पार भी। वेलकम बैक। सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रिशिता गुप्ता से, जिन्होंने साल 2018 की सिविल सेवा परीक्षा में 18वां स्थान प्राप्त किया है। आइए अपने बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सो रिशिता, जब फाइनली आपने एग्ज़ाम दिया, और किस तरह का था, लग रहा था कि मैं क्लियर कर लूँगी, किस तरह का माहौल था, क्या एंग्जाइटी थी, नर्वसनेस था, कुछ था? एंग्जाइटी तो थी, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना अनप्रडिक्टेबल है कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते।
बट क्योंकि एग्ज़ाम्स ठीक हुए थे तो लग रहा था कि शायद लिस्ट में नाम आ जाएगा, बट रैंक की तो उम्मीद नहीं थी। ये तो बहुत ये मिरेकल हुआ तो कैसा लगा, सबके रिएक्शंस कैसे थे? बहुत ओवरवेलमिंग था, तो कुछ टाइम तक तो मैं तो रिएक्ट भी नहीं कर पाई, बट इट फेल्ट वेरी गुड कि अच्छा है, चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सोचा था वो कर लिया, इसको अचीव कर लिया। बिल्कुल रिश्ता, आगे टेक्निकल और आपके पेपर की पूरी स्ट्रैटेजी पे बात करने के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे एक्सपर्ट आपसे कुछ बात करें, प्लीज़। रिशिता, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई कि पहले अटेम्प्ट में आपने ऑल इंडिया में 18th रैंक प्राप्त किया। थैंक यू सर। और ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे कैंडिडेट जो सोचते हैं कि नहीं, कई बार अटेम्प्ट लेने के बाद ही कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए ये आपने मिथ ब्रेक किया जो आजकल काफ़ी सारे यंग बच्चे कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक जो डिस्कशन में हम देखें कि जो स्ट्रैटेजी वेल बिगन इज़ हाफ डन, कहाँ से स्टार्ट किया, जब आपने प्लान किया कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उस समय की जो स्ट्रैटेजी है कैसे आपने स्टार्ट की, क्या किया, थोड़े से आप ब्रीफ में बताइए कि अब कॉलेज में पढ़ते पढ़ते आपके मन में विचार आया और फिर कैसे आपने एक स्टेप लेने की कोशिश की। सर, सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम के बारे में जाना, क्या प्रोसेसेस हैं और वो क्यों होते हैं, मतलब प्रीलिम्स क्यों होता है, हर चीज़ का रीजनिंग करने की कोशिश करी। फिर ये देखा कि इस स्टेज के थ्रू वो क्या असेस करना चाहते हैं, क्योंकि हर स्टेज में यूपीएससी कुछ और असेस करता है। जब वो सब क्वालिटीज़ को एनालाइज़ किया, फिर तो एक स्वॉट एनालिसिस किया, तो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से एक प्लान बनाया। जैसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था बट एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था तो उसका एक अलग प्लान था। साइंस में इंटरेस्ट और एजुकेशनल बैकग्राउंड दोनों थे तो अलग प्लान बनाया। किसी सब्जेक्ट में वीकनेस थी, जैसे इकोनॉमिक्स में वीकनेस थी, तो उसका एक अलग प्लान बनाया। तो उस तरह से एक प्लान बनाती गई और बेसिक किताबों से, जैसे NCERT 6 to 12, उन्हीं से मैंने शुरुआत की। कुछ नया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। जैसा कि मैं हमेशा गाइड करता हूँ कि सिलेबस को पहले ध्यान से देखो, क्वेश्चन को देखो, तो आपकी बात से भी लग रहा है कि आपने इस प्रोसेस को अपनाया, राइट? तो आपने सिलेबस को क्या, अपने किस तरह अध्ययन किया, सिलेबस के बारे में एनालिसिस कैसे किया आपने? तो पहले तो सिलेबस को देखा और फिर वही सोचा कि यूपीएससी अगर ये पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है, इससे क्या हमारी क्वालिटीज एक्सपेक्टेड हैं। तो उस तरह से सिलेबस को समझने की कोशिश करी और सिलेबस से थ्रू एंड थ्रू हुआ, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो आपको ये समझ आना चाहिए आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं। तो वो सिलेबस को लिखा, उसको अच्छे से मेमोराइज तक किया कि ये टॉपिक्स रेलेवेंट हैं, और उस हिसाब से फिर आगे की प्रिपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस वो चलती रही। तो यदि हम आपको एज ए बिगनर, किसी जैसे आप एक बिगिन कर रहे थे, किसी को सलाह देने के लिए बोलें कि आप कुछ पॉइंट्स बताइए, पॉइंट्स में कि किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तो 3-4 पॉइंट आप जिसको बताना चाहें कि भाई इनको स्टार्ट करना चाहिए, तो पॉइंट्स में ज़रा बताइए। सबसे पहले तो सिलेबस ही देखिए, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस का सिलेबस देखिए। फिर उस सिलेबस को समझने की कोशिश करिए, क्या है, क्यों है, किस तरह से है, और फिर आप देखेंगे कि बहुत ओवरलैप्स हैं, यानी कि कुछ एक ऐसे कंसेप्ट्स हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी हमारा बहुत अच्छा कंसेप्ट मांगता है। जैसे अगर हम देखेंगे हिस्ट्री है, वो प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, और उस तरह का ऑप्शनल भी है, तो आप उस तरह से फिर उसको एक ब्रॉडर कंसेप्ट बना सकते हैं। फिर आप डिटेल में देखिए प्रीलिम्स का और मेंस का, और ओवरलैपिंग वाले सब्जेक्ट्स को पहले कर लीजिए, क्योंकि आपको आसानी रहेगी। फिर देखिए जो अलग से सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको कैसे फॉलो अप करना है। ये तो हो गया सिलेबस की। दूसरे पॉइंट और बताएं। दूसरे में आप बुक्स को वाइजली चूज करिए। हर सब्जेक्ट की मैं मानती हूँ कोई ना कोई एक या दो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो उन स्टैंडर्ड बुक्स की आप लिस्ट निकाल सकते हैं और उनको एक बार पढ़ के देखिए कि आप कितना कम्फर्टेबल हैं उनके साथ। तो जैसे आप NCERT करते हैं तो साथ साथ आप वो रेफरेंस बुक देख सकती हैं कि क्या राउंड क्या करना, हाँ, कि क्या करना है। उसके बाद जब आप ये सब चीज़ें देख लें, तब आप सोचिए कि हमें कैसे परस्यू करना है। किसी को कोचिंग की ज़रूरत हो सकती है, किसी को हो सकता है नहीं ज़रूरत है, किसी को लगता है घर पे बैठ के, जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल है, आप उस तरह से उस तैयारी को स्टार्ट करिए, कोशिश करिए एंड बस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा सोचे ना, एक बार स्ट्रैटेजी बना के उस पर अपना कंसिस्टेंट एफर्ट पढ़ते रहिए, लगातार करते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी। तो ये तीन स्टेजेस में एक बात जो मुझे लगता है कि और ध्यान देना चाहिए, जो आपने भी ध्यान दिया होगा, कि सिलेबस के साथ साथ पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस को जरूर देखना, और खास करके सिलेबस के साथ साथ उसको कोरिलेट करके देखना कि पिछले सालों में एक पर्टिकुलर टॉपिक और सेगमेंट में क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो इससे पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या लेना है उसकी, इसके एक पर्पस क्या है इस पूरे सिलेबस को देने का। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एक ओवरऑल प्रीलिम्स की बात में, कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का प्रिपरेशन, चूँकि आपने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया है अपने कोचिंग के अंदर में भी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है कि आपके हिसाब से प्रिपरेशन दोनों को अलग अलग करना चाहिए, या आपके अनुभव क्या कहता है दोनों के साथ करना चाहिए?
साथ करना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट तो एक ही रहेगा, बस ये है कि तरीका अलग हो जाएगा। प्रिलिम्स में आपको फैक्चुअल एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो आप प्रिलिम्स के लिए एक्सक्लूसिवली एक या दो महीने दे सकते हैं। बाकी साथ ही करेंगे तो आसानी रहेगी, फिर मेंस का एकदम मर्डन भी नहीं आएगा जब मेंस आने वाले होंगे। तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन जो है सबसे सही तरीका है इसको करने। और सबसे एक बात है कि एक समय के बाद पे, यदि मान लीजिए एग्जाम देना है नेक्स्ट ईयर, तो एक आपके हिसाब से क्या अनुभव कहता है कि आपको एक पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए री देना उसे एक साल पहले पढ़ा यदि शुरू की जाए तो एक साल काफ़ी है आपके साथ? जी बिल्कुल, एक साल से ज़्यादा इस एग्ज़ाम को ज़रूरत नहीं है। और एक पीछे किसी टॉपर ने बोली भी है कि एक साल अगर आप रोज़ लगातार 10 आवर्स देते हैं, इससे ज़्यादा यूपीएससी को कोई डिमांड नहीं है। सो ऑन एवरेज आप उतने आवर्स निकाल लीजिए, अपनी कंटिजेंसी का देख लीजिए, और फिर एक उसकी अच्छी सी प्रिपरेशन, पहले ही प्लानिंग पूरी ईयरली, क्वार्टरली, वीकली, उस तरह के आप टारगेट्स बनाइए और फिर उसको स्टिक करने की कोशिश करिए। तो इसके से निकल के आता है कि एक बहुत बढ़िया टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, समय का प्रबंधन जो है, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे का। तो इसके बारे में जो आपका अपना टाइम मैनेजमेंट रहा उसके बारे में ज़रा अनुभव बताइए, फिर लोगों को गाइड करिए कि आप एक साल पहले यदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कहा कि 10 ईयर्स यदि एक एवरेज आप निकालती हैं तो ओवरऑल एक टाइम मैनेजमेंट है। बहुत लोगों का कहना कि नहीं, जो कन्फ्यूजन या मिथ में रहते हैं कि कोई 16 घंटा पढ़ेगा तो IAS बनेगा, कोई 18, लोगों को नींद कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं, खाना नहीं खाने लगते हैं, तरह तरह की परेशानियाँ आने लगती हैं। तो एक बैलेंस्ड रूटीन के हिसाब से जो आपने किया वो ज़रा सा आप लोगों को शेयर कीजिए। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एक एग्ज़ाम है, कोई तपस्या नहीं है, तो हमें कोई हर्मिट या साधु नहीं बनना है। तो एक नेचुरल लाइफ में रहते हुए, क्योंकि घर गृहस्थी की भी 1000 चीज़ें आएंगी, तो आपको उसके साथ चलते हुए अपना टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए। और जो मेरे को लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर इंसान की 24 घंटे में कुछ पीक आवर्स होते हैं, 6-8 घंटे जिसका भी जो होता है वो आइडेंटिफाई कर लीजिए, सबसे हाई होता है। जैसे मेरे केस में वो रात का समय था, मैं रात के 2 से सुबह के 8 बजे तक बहुत पीक आवर होता था मेरा, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करती थी। हर इंसान अपना वो आइडेंटिफाई करे और उसमें मैक्सिमाइज करें अपनी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई 2 से रात के 2 बजे से सुबह 8 बजे तक की मेन पढ़ाई थी आपकी, तो आप इसका मतलब जल्दी सोती होंगी आप टाइम पे? जी मैं फिर सुबह सोती थी एक्चुअली में, तो मॉर्निंग में मेरी नाइट होती थी क्योंकि मैं रात को ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकती हूँ। तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करके अपनी स्ट्रेंथ को मैंने उसी तरह से रूटीन बनाया, पर पेपर से 15 दिन पहले वो रूटीन चेंज भी किया क्योंकि एग्ज़ाम मॉर्निंग में होता है तो उस समय माइंड अलर्ट होना चाहिए, तो 15-20 दिन पहले उसको चेंज भी कर लिया। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि आपका वो समय सोने का और आप पढ़ने बैठ जाएं तो आपका माइंड काम नहीं करेगा। तो आपने जेट लैग नहीं होने दिया, आपने अपनी पढ़ाई के दौरान अमेरिका का टाइम ले लिया और जो एग्जाम के टाइम था तो इंडिया के टाइम आ गए। वो मैं करती रही क्योंकि मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है उस चीज़ को लेके, हर किसी इंसान की उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो उस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। बॉडी के साथ यही खासियत है कि एक इंसान ट्रैवल करके इंडिया में है, एकदम उल्टे कंप्लीट डिफरेंट टाइम जोन में जाता है तो वहाँ एडजस्ट कर जाता है, मुश्किल से 2 दिन लगते हैं एडजस्ट करने में, तो वो जिसमें एफिशिएंट टाइम हो वही करना चाहिए। तो इसका मतलब कोई सेट रूल नहीं है, नहीं, हर कैंडिडेट को अपना अपना टाइम प्लान करना चाहिए जो उसको एनर्जी लेवल हाईएस्ट हो, क्योंकि हमें अपनी बॉडी के हिसाब से चलना चाहिए इस एग्जाम के। और ये अब ये कोई और हेल्प नहीं कर सकता, खुद को पहचानना होता है कि हमें कि आपका मेरा टाइम आपका टाइम जोन किस में सबसे सही चल रहा है, सेल्फ एनालिसिस। आपकी नॉर्मल जो मोस्ट इंटेंसिव स्टडी थी वो 6 आवर्स के थे, इसके अलावा आप सोते कितने देर थे? 6 आवर्स वो नेचुरल स्लीप आपने सोने को हो गया, बाकी समय में आपके क्या रूटीन होता था? मतलब पढ़ाई का ही मैंने ये चीज़ कोशिश करी कि 1-2 साल में जो भी अगर ब्रेक्स भी ले रही हूँ वो कहीं ना कहीं यूपीएससी से रिलेट हो जाए। तो अगर मैं मूवीज भी देख रही हूँ तो इस तरह की देखूँ जो कहीं ना कहीं एग्जाम के टूवर्ड्स कनेक्ट हो जाए। तो हर वो जैसे स्वामी विवेकानंदा ने कहा है कि अपने गोल के लिए ही आप 24 घंटे जगे रहें, अराइज रहें, गोल कोई ब्रीद इन करें, तो वही चीज़ मैंने 1-2 साल एट द बैक ऑफ माइंड कहीं भी रहे वो साथ चलते रहे, साथ होना चाहिए। चाहे आप मस्ती भी कर रहे हो दोस्तों के साथ तो भी आपकी बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपका थॉट। और इस एग्जामिनेशन की खासियत भी यही है कि आपको हमेशा ह्यूमन इंटरेक्शन में रहना है, लाइफ उसी तरह की होगी, तो जो भी कर रहे हैं उसमें से कोई ना कोई चीज़ें, इश्यूज, प्रॉब्लम, सब चीज़ें आती भी रहती हैं। तो प्रिपरेशन इज नॉट ओनली इन द बॉक्स, प्रिपरेशन इज इन एनवायरनमेंट, वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रह के आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप 4 लोगों के साथ बैठते हैं तो जैसे मैं अपने दादाजी के साथ बैठ के महाभारत पे डिस्कस करती थी तो वो GS4 में मुझे बड़ा हेल्प किया एक एथिकल तरीके से सोचने में। तो कहीं पता नहीं चलता आपको कहाँ से सीखने को मिल जाएगा इस एग्जाम। आप अपने इन्वायरमेंट में ही प्रैक्टिस कर रही होती हैं इसमें ये टोटल में टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छा किया,
एक जो क्रूशियल इश्यूज आता है कि आपने अपने लिए कितना रिलैक्स करने के लिए या स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक स्ट्रेस का लेवल, स्ट्रेस के बारे में आपको क्या कहना है इस एग्जाम के बारे में? सर, स्ट्रेस तो मोर लेस हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाता है, अगर हम लेने को तो वैसे भी स्ट्रेस ले ले, और नहीं तो हम अपने स्ट्रेस को भी इन्जॉय कर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम की जर्नी ऐसी है कि स्ट्रेस को भी इन्जॉय किया जा सकता है, वो एंग्जाइटी को, अनप्रिडिक्टेबिलिटी को। तो रिलैक्स करने के लिए मैं तो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करती थी, या थोड़ा सा कुछ लाइट सा कुछ भी कर लिया, वॉक पे चले गए, गाने सुन लिए, मतलब उसमें भी काफ़ी ब्रीद इन सा लगता था कि एक अच्छी चीज़ है। वरना बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रेस पे ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान सारा पढ़ाई पे था, ये सब चीज़ें अपने आप ही मैनेज होती गई। ये जो अपने हम जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको हम समझा दें कि स्ट्रेस भी गलत चीज़ नहीं है, प्रोवाइडेड कि उसको आप इन्जॉय करना शुरू करें। जी जी, क्योंकि सक्सेस के लिए स्ट्रेस जो है इट इज़ ए काइंड ऑफ गिविंग सीरियसनेस टू योर प्रिपरेशन। लेकिन यदि उस स्ट्रेस को वरी में बदल दिया, टेंशन में बदल दिया, तो प्रॉब्लम हो, तो वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन उसको यदि एक गोल की ओर सेट कर दिया तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट इसको कहते हैं, और वो मैनेज करके वही चीज़ आप आपको प्रोडक्टिव में बना लेते हैं। जी, तो आपने वही किया जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के हिसाब से। ये टोटल आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था? टोटल फ्रेंड सर्कल नॉर्मल था, सब अपनी इंजीनियर्स ज़्यादातर मेरे दोस्त रहे, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी पहले, तो सब अपनी जॉब्स वगैरह में थे, तो उनसे भी अच्छा मिलता था कि एक कॉरपोरेट वर्ल्ड का एक एक्सपीरियंस मिलता था सुनने को, तब और मोटिवेशन होता था कि सिविल सर्विसेज और कितना सैटिस्फाइंग करियर हो सकता है, तो उस चीज़ ने भी मेरे को बहुत हेल्प की अंडरस्टैंड। फैमिली में रहने के लिए अपने सर्कल में बहुत सारे लोग होते हैं जो ड्रीम स्टेलर्स होते हैं, जो आपको सपनों में बार बार बाधक भी डालते हैं कि भाई ये बहुत मुश्किल काम है, हो सकता है आपकी मदर को भी लोग कुछ कहते हैं कि किस काम में लगा दिया, बहुत मुश्किल काम है, ऐसा भी कोई सिचुएशन आया आपके साथ भी? जी आता था, बट इसके लिए मदर ने खुद ही हैंडल कर लिया। तो अगर ऐसे कोई लोग भी हैं फैमिली में तो मम्मी ने जैसे उनका घर पे आना बंद कर दिया या इस तरह की चीज़ें, वो खुद हैंडल कर। वेरी गुड, मतलब तो मुझ पर नहीं आने दिया कि कोई कुछ भी बोल रहा है, वो कभी मुझ पर नहीं आया। मतलब जो लोग आपके डिस्टरबेंस के कारण हो सकते थे, मम्मी ने कहा कि इनको दूर कर, ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल ब्लॉक। डेढ़ साल मेरे घर कोई रिलेटिव्स नहीं आए, मतलब मम्मी ने सबको मना कर दिया था कि कोई ना ही आए मेरे घर डेढ़ साल। ये सब जो चुनौतियाँ और डिसीजन जो है बहुत इंटेलिजेंस का है, इसका सवाल हम खास करके स्पेशली आपकी मम्मी से भी जानना चाहेंगे, तो जब हम उनसे बात करेंगे। मेनली ये है कि आपकी तैयारी के दौरान में ये पूरा, तो ये पूरे व्यूअर्स इस चीज़ को समझने, जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनको जानना चाहिए कि ये जो प्रिपरेशन है इसके अंदर में अपने बारे में पूरी प्लान आपके हाथ में होता है, और जो आपके डिस्टर्ब करने वाले जो ड्रीम स्टेलर्स हैं उनको भी आप ही इजाज़त देते हैं कि आइए हमें डिस्टर्ब कीजिए। लेकिन जब आप डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे अपने लक्ष्य की ओर जाना है, तो जिनको उसमें बुरा लगा होगा आप सबसे पहले वही लोग आएंगे। जी बिल्कुल, कि भाई ये तो बहुत मेहनती लड़की है, आपकी मदर को भी तारीफ करने आऊँगा तो आपने तो कमाल कर दिया, तो वो सब चीज़ें, तो इन चीज़ों से ही बचना चाहिए। जी, अब थोड़ी हम बात करते हैं प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के ऊपर में, चूँकि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन तो आपने किया लेकिन प्रीलिम्स का एक अप्रोच है, चूँकि सी सेट क्वालिफाइंग हो चुका है लेकिन उसकी भी एक अपनी अहमियत है, लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, और दूसरी चीज़ है कि सारा अब प्रेशर और टेंशन जो है जीएस में, तो जीएस में बात करने से पहले आप ही बताएंगे सी सेट के लिए आपने क्या किया? सर, सी सेट के लिए मैंने एक बेसिक बुक ले ली थी जो कैट के एग्ज़ाम के लिए आती है, अरुण शर्मा करके, क्योंकि मुझे था कि मैंने 12th तक मैथ्स पढ़ी है तो बस एक ब्रशअप करके मैंने सी सेट की तैयारी करी। और सबसे ज़्यादा सी सेट में इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, अगर हम पास पाँच छः जो भी जब से क्वालिफाइंग हुआ है पेपर्स देखेंगे तो मोर और लेस क्वेश्चंस रिपीट ही हुए हैं, पैटर्न उनका आपको समझ आ जाएगा। एक बेसिक जितनी 8th, 9th, 10th की मैथ्स होती है उतना अगर आप कंफर्टेबली कर सकते हैं तो सी सेट क्वालिफाइबल है, बस प्रोवाइडेड है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसको इग्नोर ना करें कि क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, तो इग्नोर ना करते हुए उस पर बेसिक प्रैक्टिस आप करते रहें। जो मैथ्स के अलावा जो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन है, ऐसे सब्जेक्ट्स, उसके लिए क्या किया आपने, उसी से काम चल गया आपका? सर, जैसे अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो हम न्यूज़पेपर और इतना सब पढ़ते हैं कि वो तो उसी के साथ साथ हो जाता है, उसके अलावा डिसीजन मेकिंग वगैरह वाले क्वेश्चन हैं वो भी अगर हम नॉर्मल एक इंसान की तरह सोचें, एक नॉर्मल इंसान की तरह, तो वो बहुत हद तक सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि UPSC कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स तो उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक बेसिक नॉर्मल इंसान की तरह सोचेंगे तो मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, कुछ एक्सपर्ट उसमें मैंने नहीं की, कॉम्प्लिकेट करने की नहीं, बिल्कुल सिंप्लीफाई हर चीज़ को। प्रीलिम्स में जो बेसिक स्ट्रेटजी जो क्वालिफाई, चूँकि इतने लाखों लोगों के बीच में आपको कम्पीट करना होता है, टू बी श्योर अबाउट प्रीलिम्स, बेसिक आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे कि प्रीलिम्स के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो किसी भी टॉपिक को छोड़े ना, बहुत लोग कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं जो बहुत लो हैंगिंग होते हैं, फॉर इंस्टेंस आर्ट एंड कल्चर, बहुत लोग आर्ट एंड कल्चर नहीं करते, बट आर्ट एंड कल्चर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है मार्क्स से,
तो किसी भी सब्जेक्ट को जो भी सिलेबस में मेंशन है उसको छोड़े ना, और हर चीज़ को रिवाइज करते रहे, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप आज पढ़ेंगे दो दिन बाद भूल जाएंगे। तो अपनी मेंटल एनालिसिस के हिसाब से, जैसे ये साइंस कहती है कि अगर हम 7वें और 15वें दिन चीज़ों को रिवाइज करें तो हम उसको रिटेन कर सकते हैं, तो उस तरह से रिविजन का प्लान बनाएं और साथ साथ रिवाइज करते रहें, साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहें ताकि आपको एनालाइज हो जाए कि आप कितना सही सोच पाते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग आपकी कितनी है। तो प्रैक्टिस एंड रिविजन, ये दो ही कीज़ हैं प्रिलिम्स के लिए। इसमें पढ़ाई के लिए अब ये जो बात निकल के आ रही है कि जो भी आप कुछ ऐसी नोट्स बनाएं या ब्रीफ में लिख के रखें जिसको आप बहुत कम समय में रिवाइज कर सकें जो अपने पढ़ाए, और मेरे ख्याल से आपने भी की होगी कोशिश कि हफ्ते में कम से कम थोड़ा समय एक दिन का होना चाहिए जिसमें आप रिविजन कर रहे हो लगातार। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन के साथ पढ़ें पिछले साल के क्वेश्चन या जो प्रोबेबल क्वेश्चन किसी टॉपिक में हो सके, जैसे अपने अभी आर्ट एंड कल्चर की बात की तो आर्ट एंड कल्चर में पूछने का अंदाज क्या है, क्वेश्चन का अंदाज क्या है, वो चीज़ यदि पहले से पता हो तो लगेगा कि एग्जामिनर का पूछने का अपना डायरेक्शन क्या है, इसलिए आपका स्टडी भी एक एक जो है एक डायरेक्शन लेगा कि आपको पढ़ना क्या है। अब हम दोनों को जनरल स्टडीज़ प्री और मेन दोनों को मिला के, चूँकि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही करना चाहे थोड़ी बात करेंगे, जनरल मेन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की चर्चा करते हैं और उसमें थोड़ी साथ साथ प्री भी कैसे किया उसको देखते हैं। आपने हिस्ट्री एंड कल्चर की बात की, जनरल स्टडीज़ मेंस में पेपर वन हिस्ट्री एंड कल्चर है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी उन्होंने लिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड एंड इंडिया, राइट, तो इसके बारे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? अगेन हिस्ट्री बहुत कंसेप्ट इंटेंसिव सब्जेक्ट है, उसको हम स्टोरीज़ की तरह समझ सकते हैं, तो पहले तो आप बेसिक स्टोरी समझ लीजिए। दूसरा ये है कि यूपीएससी में वो कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री या बैटल्स के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट होगा हिस्ट्री का जिसकी आज भी कोई ना कोई अहमियत है। जैसे इस बार चैतन्य महाप्रभु पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे उन्होंने अपने रोल से इंडिया का एक कल्चरल इंटीग्रेशन किया, जो कि आज के मायने में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको उस तरह से भी सोच सकते हैं। और कुछ ये है कि कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो रेलिवेंट हैं, जैसे रोज़ कोई नई स्कीम आ रही है आर्किटेक्चर के ऊपर, तो आप आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से कर सकती हैं, तो उस तरह से मैंने किया कि हिस्ट्री को भी आप न्यूज़पेपर से या कंसेप्ट से लिंक करते जाएं ताकि कोई भी चीज़ आपको इररिलेवेंट ना लगे। और जैसे मॉडर्न इंडिया के खास करके मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें कोई खास बुक जो आपने पढ़ी हो जो सजेस्ट करना चाहेंगे आप? मॉडर्न इंडिया के लिए जैसे स्पेक्ट्रम एक तो थी, और एक मैंने बिपिन चंद्रा करी थी कुछ इंटरेस्ट तरीके से, उसने काफी अच्छे कंसेप्ट में, कौन सी किताब, जो मोटी वाली किताब आती है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यस, तो वो वाली मैंने पूरी पीडीएफ को पढ़ा था और बहुत शॉर्ट नोट्स उससे बनाए थे। ये बात है, उस किताब में चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बता रखी है, तो आपको डिटेल में समझ आएगा कि क्या हुआ। आपने ऑनलाइन पढ़ाई की उसकी? हाँ, उसकी किताब मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी और उसके मैंने ऑनलाइन ही नोट्स बनाए थे छोटे छोटे, तो उसको मैं रिविजन के लिए भी, वो मेरे लिए बहुत आसान रहा और मेरा कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से उसमें मेरे क्लियर हो गए। अच्छा, उसको क्लियर कर, और उसके बाद आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी की? जी जी। बट आप जब मेंस और प्री दोनों सब्जेक्ट में तैयारी कर रही होंगी तो क्या प्री के लिए भी आपने कुछ ब्रीफ पॉइंट्स बना कर रखे? जी, मैं फ्लैश कार्ड्स बना लेती थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, जैसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हो गए, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हो गए, म्यूजिक हो गया, इस तरह से हर सब्जेक्ट में कुछ 5-7-10-12 चीज़ें होती हैं जो फैक्चुअली इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने उसको छोटे छोटे कलर्ड फ्लैश कार्ड्स बना ली ताकि पढ़ने में मज़ा भी आए, और उसको मैं एंड टाइम तक रिवाइज करती रही। वेरी गुड, रिविजन अगेन इज अ वेरी क्रूशियल थिंग अबाउट। उसमें एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको प्री में भी क्वेश्चन है और मेंस में भी है, उसके लिए क्या किया आपने? वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी से बहुत इजीली समझ आ सकती है, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की, हाँ, और उसके साथ साथ मैप, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब ही मैप है, तो आप मैप से जब चीज़ों को करेंगे तो आपको समझ भी आएगा और मज़ा भी आएगा, तो मैंने मैप्स को बहुत कंसिस्टेंटली फॉलो किया अलॉन्ग विद एनसीईआरटी, दैट्स इट। मैं आपके साथ में, और किस से किस स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ाई की ज्योग्राफी की है? 6-12 तक की जो बेसिक एनसीईआरटीज होती हैं उन्हीं को मैंने पढ़ा, बार बार उन्हीं को पढ़ा, और बस मैप से उनको साथ साथ लिंक करती गई, ये यहाँ पर है, ये ऐसे है, और ज्योग्राफी में क्या आता है कुछ टाइम बाद एक पैटर्न सा बनने लग जाता है कि ये वाले लैटिट्यूड पे इसी तरह की कंट्रीज होंगी, यहाँ पे ये टेम्परेचर होगा, ये सारी चीज़ें वो नेचुरली आपका माइंड एक पैटर्न बनाने लग जाता है, तो वो फिर समझ आने लग जाता है, तो वो बहुत आसान हो जाता है। ज्योग्राफी विदाउट मैप इज नॉट अ स्टडी? नो, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट की एक टेक्निकल चीज़ें हैं मैं समझती हूँ, तो आपको उसका टेक्निकल पकड़ना पड़ता है। ज्योग्राफी का टेक्निकल मतलब मैप, तो आप मैप को जिस दिन अपने हाथ से बना लेंगे, तो मैंने पूरा वर्ल्ड मैप अपने हाथ से खुद बनाया था,
विथ फिजिकल एंड पॉलिटिकल, तो उससे मेरी क्लैरिटी बहुत अच्छी डेवलप हुई। एक ब्रीफ में कोई एक छोटा सा टॉपिक के बारे में जरा 2-3 मिनट बोलिए कि जैसे क्या कर किया होगा आपने। ठीक है, टॉपिक जैसे हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, कितने तरह के फॉरेस्ट हैं, तो अब उसको कैसे समझें। आप देखेंगे फॉरेस्ट का भी एक पैटर्न है, एक तरह का फॉरेस्ट एक ही तरह के क्लाइमेट में होगा, वहाँ एक ही तरह की बारिश होगी, वहाँ एक ही तरह के लोग रह रहे होंगे और एक ही तरह का खाना होगा, एक ही तरह की फसल होगी। तो उसको अगर आप समझ लें और मैप पे बना लें, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन आपकी लैटिट्यूड ये इक्वेटर के आसपास होंगे, तो आप वहाँ से सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि इस तरह की क्रॉप एक्टिविटी है। और अगर हम देखेंगे तो इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी भी मोर और लेस सेम होती है कि एक तरह का क्लाइमेट होगा तो वो एग्रीकल्चर शायद कंट्रीज बन जाएंगी, इंडस्ट्रियल सेम होंगी, तो आप वो सारी ही चीज़ें समझ सकते हैं, इकोनॉमी तक पर भी आप उसी से पहुंच जाएंगे, तो इस तरह से आप फिर उसको इकोनॉमिक्स से भी लिंक कर पाएंगे। वेरी गुड, मेरे कल से इस बात को सुन करके जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी स्ट्रेटजी बना पाएंगे कि किस प्रकार से टॉपिक वाइज हम ऐसा काम कर सकते हैं। जी रिशिता, एक सोसाइटी के ऊपर, इंडियन सोसाइटी भी एक सेगमेंट है आपका पेपर वन जनरल स्टडीज में, और जो प्री में मेरे ख्याल से उसकी सोशल इश्यूज हैं उस चीज़ों को, तो इस चीज़ को कैसे आपने पढ़ाई की और क्या किया आपने इसमें? सर 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो आप अपने बेसिक समाज को समझ सकते हैं, उसके लिए मैंने 11th और 12th क्लास की सोशियोलॉजी की किताबें पढ़ ली। उसके बाद रोज़ न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि सोसाइटी पे कोई ना कोई एडिटोरियल या हैपनिंग हो ही रही होती है, तो उसको समझ लिया। तीसरी चीज़ जो शायद इस एग्ज़ाम में देखी गई है कि आने वाली सोसाइटी कैसी है या कैसी हो सकती है, उसके बारे में भी आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके लिए बेसिक वही सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर, कुछ अलग से नहीं था बट न्यूज़पेपर है। जैसे एक मिंट न्यूज़पेपर आता है, उसके पेज नंबर 2 पे एक हमेशा एक फैक्चुअल एनालिसिस होता है, एक पूरा सर्वे किया जाता है और उस पर कोई एनालिसिस निकाला जाता है कि ये सोसाइटी का नया ट्रेंड है। तो उसको पढ़ के भी मैंने जैसे 2-4 के बनाए, और एटलीस्ट 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिससे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी था, तो मुझे समझ आया कि उसकी रेलेवेंस कितनी ज़्यादा है, कि आप एक फैक्चुअल तरीके से जाने किस तरह से लोग सोचते हैं, और ये इतना डायनेमिक पेपर है कि इजीली आप न्यूज़पेपर से इसको कवर कर सकते हैं। बेसिकली ये डे टू डे लाइफ में क्या सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, ट्रेंड क्या हो रहा है, वो नॉर्मली हमारे सामने होता ही है। न्यूज़ अपने आसपास भी लोगों से बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जैसे मी टू मूवमेंट चला था, तो आप अपने आसपास भी 10 लोगों से बात करेंगे तो समझ आएगा कि इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, तो इन प्रैक्टिकल भी पता चलेगा और थोड़ा इंटेलेक्चुअल ओपिनियन भी आपको न्यूज़पेपर से निकल कर आ जाते हैं। वेरी गुड, तो पेपर वन में ये तीनों सब्जेक्ट तैयार करने में स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलना चाहिए आपकी, अपनी एक्सपीरियंस जो शेयर किया आपने, जिसमें हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल, सक्सेस स्पीक्स में अभी वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, आप कहीं जाइएगा नहीं, रिशिता गुप्ता के साथ हमारी एक खास बातचीत जारी रहेगी ब्रेक के उस पार भी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैभव गुंडाने है और मैंने 2018 के सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 25वां हासिल किया है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। मैं चाणक्य आईएएस एकेडमी पुणे सेंटर के अपग्रेडेड फाउंडेशन कोर्स का एक स्टूडेंट था और मैं मेरे सक्सेस के लिए चाणक्य आईएएस एकेडमी के फैकल्टीज और पूरे स्टाफ मेंबर्स का धन्यवाद। वेलकम बैक, सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिशिता गुप्ता। रिशिता, जिन्होंने साल 2018 की सिविल सेवा परीक्षा में 18वां स्थान प्राप्त किया है, आइए अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, अब पेपर 2 के बारे में आप बात कर रहे थे। रिशिता, जनरल स्टडीज पेपर 2 मेंस में है, जो आप जिसको प्री में भी पढ़ना, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है और आपने कैसे तैयारी की उसकी? कॉन्स्टिट्यूशन में मेरी सबसे पहले तो ये सोच थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल क्यों आए, हर चीज़ का क्यों पे जाना एक वो था, तो उसको मैं कैसे समझी कि मेरा ये इंटेंशन था कि मैं किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को एक बार देख सकूँ। तो एक बाई चांस की बात है कि राज्यसभा टीवी पे एक डॉक्यूमेंट्री है संविधान करके, तो 10 एपिसोड्स की एक वो डॉक्यूमेंट्री बना रखी है जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को फोकस किया है। तो जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये आर्टिकल क्यों आए हैं, तो हम उसकी डिबेट को आज भी जो हो रही है उस पर समझ सकते हैं। तो पहले तो चीज़ मैंने ये की।
दूसरा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट पढ़ने की कोशिश करी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक फुल स्टॉप भी है तो वो क्यों है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या नहीं है, तो उसको एनालाइज किया थ्रू बेयर एक्ट। जब ये चीज़ें हो गई उसके बाद फिर बेसिक जो लक्ष्मीकांत हमारी एक रेफरेंस बुक है उसी को मैंने पॉलिटी के लिए सोर्स किया, उसको 15-20 बार पढ़ा, शॉर्ट नोट्स बनाए और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट उसको वहाँ से मैंने पकड़ने की कोशिश की। कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक बहुत ही शानदार ढंग से आपने प्रिपरेशन किया कि आपने सारे प्रोविजंस आर्टिकल्स इनको भी देखा और फिर है कि हाउ इट इज़ वर्किंग, जो भी इश्यूज आ रहे हैं मैटर हो रहा है उसको कोरिलेट करके आपने पढ़ाई की। तो ये किसी भी कैंडिडेट का एक पकड़ तभी हो सकता है जब उसको कोरिलेट करके देखें और जो कुछ भी हो रहा है समझ लेंगे। इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो गवर्नेंस की बात होती है, गवर्नेंस, तो वो गवर्नेंस को वो क्या है उसको थोड़ा एलाबोरेट करिए अपनी समझ से, कैंडिडेट को पता चल जाए व्हाट डू वी मीन बाय गवर्नेंस ऑन दैट। गवर्नेंस एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे कोई भी एक सोसाइटी जिसके अंदर एक ऐसा ऑर्डर आ चुका है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हिस्टोरिकली एक गवर्नेंस का विषय रहा है, आज के समय पे क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो उसका मतलब अलग हो जाता है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमें ये पता चलना चाहिए कि हम एक टूल है जिससे वो गवर्नेंस फैसिलिटेट होता है लोगों के टूवर्ड्स, तो उसको उस एटीट्यूड से समझना चाहिए कि हम एक पिलर है जहाँ से वो पास ऑन हो रहा है, तो हमें दोनों तरीके के दोनों तप्पों को समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है, पहले तो आप गवर्नमेंट के पिलर्स समझ लीजिए टेक्निकल आस्पेक्ट, फिर आप प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी को समझे, गवर्नेंस कैसे होती है, चाहे एक छोटी सी स्कीम भी है गवर्नमेंट की वो कैसे इम्प्लीमेंट होती है वो समझें, और तीसरी जो इसमें एक हायर ऑर्डर तैयारी वो है कि आप ग्लोबल लेवल पर थोड़ा देखिए कि इंडिया की गवर्नेंस है और अमेरिका की गवर्नेंस है तो उसमें क्या फ़र्क है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, सिमिलरली चाइना के साथ क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या डिफरेंसेस हैं। तो आप ग्लोबली जब समझेंगे तो आपको गवर्नेंस का एक पैटर्न समझ में आने लगेगा, तो ये चीज़ें मैंने गवर्नेंस में करने की। अभी कुछ ऐसी टॉपिक जो आपको ध्यान में हो जो गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन में हो या करेंट्स में हो तो उसको बारे में आप थोड़ा बताने की कोशिश करिए। ठीक है, तो गवर्नेंस में जैसे मैंने कुछ चीज़ें सेकेंड ईआरसी रिपोर्ट से समझने की कोशिश करी क्योंकि ये 15 रिपोर्ट ऐसी हैं जो गवर्नेंस के ही एस्पेक्ट्स को लिंक करती है, तो उनमें समझा कि किस तरह की इंडिया की गवर्नेंस चैलेंजेस रहे हैं या आज भी हैं और कैसे हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो एक क्रिटिकल वही प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाली अप्रोच से मैंने गवर्नेंस को समझने की कोशिश करी एंड देन लिंकिंग इट टू द करंट टाइम्स, जैसे आज हम ई गवर्नेंस या डिजिटल गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे एडिशनली, तो उसको मैंने फिर लिंक करके फिर उसको ही समझने की कोशिश करी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, और यही चीज़ें जो है एक इंटरेस्ट भी क्रिएट करता है, उस पर रिजल्ट भी आता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें वो है इंटरनेशनल रिलेशन की, यदि हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशन का इसका स्कोप क्या है, सब्जेक्ट का विषय वस्तु क्या है इसका। देखिए अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को एक नॉर्मल तरीके से देखें तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है अपने आप में, लेकिन हमें अपनी अप्रोच यूपीएससी के लिए थोड़ी डिफाइन रखनी चाहिए। तो मैंने दो चीज़ें करी, पहले तो स्टैटिक कंसेप्ट समझ लिया, तो उसके लिए मैंने एक किताब रेफ़र की थी डेविड एम मेलोन की जो यूजुअली ऑप्शनल वाले रेफ़र करते हैं, पर इस किताब में क्या है बहुत सिंपल तरीके से इंडिया के सारी कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल रिलेशन समझाए हैं। अच्छा, वो समझने के बाद मैं उनको फिर करंट अफेयर से लिंक करती थी तो बड़ा इजी हो जाता था कि अगर फॉर इंस्टेंस कल ही जैसे यूएन में उनका टेररिस्ट का जो है प्रोस्क्राइब हुए हैं तो आप वो समझ सकते हैं कि इसकी क्या पॉलिटिक्स रही है, इंडिया के लिए कितना बड़ा डिप्लोमेटिक विन है और कैसे हम इसको आगे इसके वे फॉरवर्ड होगा। तो लिंकिंग फ्रॉम स्टैटिक टू डायनेमिक, तो पास्ट भी समझ आ जाएगा, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी आप प्रिडिक्ट कर सकती हैं। तो हर रिलेशन नए ऑडियंस के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए जो टॉपिक अभी बात कर रही हैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए कि इस टॉपिक का और इंडिया के लिए कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है, वो कैसे हुआ, जरा प्रकाश डालिए। ठीक है, तो मसूद अजहर जो है एक टेररिस्ट है, ग्लोबल टेररिस्ट, बट इंडिया बहुत सालों से एफर्ट कर रहा था कि यूएन पे इसको टेररिस्ट इनको डिक्लेयर कर दिया गया, बट यूएन में जो P5 कंट्रीज हैं उसमें चाइना वॉज ब्लॉकिंग और एक ही की वीटो से जो है रेजोल्यूशन ख़त्म हो जाता है, तो ये कभी प्रोस्क्राइब हो नहीं पा रहे थे। अभी रिसेंट जो हमारे पुलवामा में अटैक हुआ है उसके बाद और हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बढ़ाया गया कि हम इनको एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकें और पाकिस्तान को ये चीज़ एक सिग्नल की तरह भेजा जा सके दैट नो कंट्री कैन स्पॉन्सर टेररिज्म अगेंस्ट अनदर कंट्री। तो उस तरह से ये इंडिया की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है कि हमने बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ बैठ के उस चीज़ को नेगोशिएट हम कर पाएँ, तो वो एक ये मसला था पूरा।
बहुत बड़ी सक्सेस है जो उसकी निकल कर आई हमारे लिए, और इस तरह से क्रिटिकली लोगों को समझना देखना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रिशिता, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे टॉपिक्स हैं, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए कि आपने क्या समझा इसके बारे में और कैसे तैयारी भी की आपने। अगेन, ये भी बहुत डायनेमिक पेपर है तो क्वेश्चंस भी ज़्यादातर डायनेमिक एरिया से आते हैं, तो इसके लिए तो यही पहले तो कंसेप्ट कर लिया, जैसे इकोनॉमिक्स है क्योंकि प्रीलिम्स में कंसेप्चुअल पार्ट कवर हो जाता है। उसके बाद साल भर के लिए करंट अफेयर्स, इसके लिए कोई स्पेशल इकोनॉमिक्स का पेपर मैंने नहीं लिया, जो नॉर्मल इकोनॉमिक मतलब पेज आता है डेलीज में, उन्हीं को मैंने रेफ़र किया, उनको समझा। मतलब आप इकोनॉमी की चर्चा कर रही हैं कि प्री में जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमी का क्लियर हो गया, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट या टर्म्स इकोनॉमी के, वो सब कुछ क्लियर होने चाहिए पहले में, पहले फिर उसी पे डेवलप कर, फिर उसी पे आप, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उसका मतलब क्या है, और फिर जो भी इवेंट होता है उसको आप पूरा एक रैशनल तरीके से सोचें। क्या सोर्सेस टच किए आपने जो है इकोनॉमी के लिए, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए? अगर बुक बोलूं तो मैंने एक संजीव वर्मा की इंडियन इकोनॉमी बुक थी, वही पढ़ी है, और उसके बाद सिर्फ करंट अफेयर्स, सिर्फ न्यूज़पेपर से ही नोट्स बनाए हैं, उन्हीं से ही मैंने पढ़ाई की है। तो इकोनॉमी में जैसे कुछ भी हो रहा है, जैसे फॉर इंस्टेंस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई है, तो पहले उसका टेक्निकल समझ लीजिए और फिर ये देखिए कि ये क्यों आया है, ऐसा ही डिसीजन क्यों आया है, क्यों कुछ और नहीं आया, इससे अभी करंट इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। और दूसरी जो चीज़ है, इंडियन इकोनॉमी कभी भी आइसोलेशन पे नहीं है, इकोनॉमी हमेशा ग्लोबल फैक्टर से इम्पैक्ट होती है, इकोनॉमी हमेशा पॉलिटिकल फैक्टर से इम्पैक्ट होती है, तो उसको भी साथ लेके समझें कि अगर ग्लोबली कुछ हुआ है तो वो भी इकोनॉमी पे इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा, ऑयल प्राइसेस पे कुछ हुआ है तो वो इमीडिएट पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, तो उसको साथ लेके सारे इवेंट्स को आप समझिए, और फिर किसी भी इंटेलेक्चुअल ओपिनियन को आप प्रेफर कर सकते हैं जो न्यूज़पेपर में आता है या किसी अच्छे शो पे, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है, क्यों है, एंड गो अबाउट इट। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा प्री के साथ कोलरेट करके बताना कि प्री में जो साइंस है एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका स्कोप क्या है और मेंस में क्या है, दोनों को कैसे कोऑर्डिनेट किया आपने? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगेन आप ये देखिए कि इंडिया उसमें कैसे आगे बढ़ रहा है और इंडिया के आगे क्या एस्पिरेशंस हैं। जैसे अगर हम फिलहाल में देखें तो इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत अचीवमेंट्स वो है अपने कर रहा है, तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी को आप बड़ा फोकस करें। अब इसके लिए आपको कोई एस्ट्रोफिजिसिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी डिटेल में नहीं जाना, पर आपको ये पता हो कि इंडिया ने ये ऑपरेशन किया है, ये सैटेलाइट लॉन्च किया, तो ये हमारे लिए कितना बड़ा अच्छा अचीवमेंट है। जैसे पीछे इंडिया ने 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किया था, तो दैट वाज अ टेक्नोलॉजिकल फीट कि हमने ग्लोबल लेवल पे अपना एक दिखाया कि हम इतनी टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव कंट्री है, तो आप उस तरह से देखिए, और फिर देखिए कि उसका रूट लेवल पे क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी एग्रीकल्चर से लेके एजुकेशन तक हर जगह इम्पैक्ट डाल रही है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन थियोरेटिकल पार्ट, उसका इम्पैक्ट क्या है। जैसे आजकल हम फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आप देखिए कि इंडिया, हम क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी हमें उसमें कितना एडवांस होने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कंट्रीज वो कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एंगल से और एडवांसमेंट के एंगल से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़िए। कोई खास ऑथेंटिक सोर्स, गवर्नमेंट सोर्स जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए? सर, मैं एक शो देखती थी अगेन आर एस टी वी पे, हर संडे एक आता है ज्ञान विज्ञान करके, जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आता है, तो मैं उसी शो से पता चल जाता था कि ये लेटेस्ट में चल रहा है, और उसी के मैं नोट्स बना लेती थी और फिर सिंपल गूगल से उसका डिटेल देख लेती थी। राज्यसभा को, हाँ, राज्यसभा टीवी का, और वो गूगल, बस ये दो सोर्स। ज्ञान विज्ञान, आपने बहुत ही स्पेसिफिक और लिमिटेड सोर्स से अच्छे काम किया। इस पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों चीज और रखा गया है। जी जी, कोई खास वजह है दोनों सब पेपर का रखने का इसमें? जी, इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया का एक काफ़ी क्रूशियल इशू है, और हम देखेंगे कि लगभग हर पार्ट ऑफ कंट्री में कोई ना कोई इंटरनल सिक्योरिटी चल रही है, और अगर हम उनको एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि वो किसी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वजहों से है। तो इंटरनल सिक्योरिटी मेरे ख्याल में इसीलिए रखा गया ताकि आप इन प्रॉब्लम्स को समझ सकें। जैसे आप कश्मीर की मिलिटेंसी समझेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर का जो पूरा कंसेप्ट है वो समझ आ जाएगा। सिमिलरली आप नक्सलिज्म में जाएंगे तो आपको रेड कॉरिडोर रीजन समझ में आ जाएगा, तो वो शायद एक वजह हो सकती है। उसके लिए मैंने सेकेंड एआरसी की एक रिपोर्ट है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और पब्लिक ऑर्डर, ये दो को बेसिक तरीके से समझा, और उसके बाद रोज में अगेन फिर डायनेमिक वाला जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और कैसे आपकी एक नई सोच हो सकती है उसको एड्रेस करने के लिए। जैसे अब साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय बनता जा रहा है,
तो आप उसमें क्या नया कर सकते हैं? ग्लोबली कुछ नया हुआ, जैसे एस्टोनिया एक कंट्री है जिसने साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा काम किया, तो आप उसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं और अपने पेपर में भी आप उसकी एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जामिनर भी समझेगा कि आप एक वेल अवेयर सिटीजन हैं, तो आप उस तरह से फॉलो अप ले सकते हैं इस सब्जेक्ट में। वेरी गुड। जो है रिशिता, हम पेपर फोर की बात करते हैं, जनरल स्टडीज पेपर फोर, जो बड़ा ही एक अलग तरह का पेपर है, एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड। सबसे पहले आप ये बताइए कि एग्जामिनर इस पेपर में कैंडिडेट के अंदर क्या देखना चाहता है। आई थिंक ये एक ऐसा पेपर है जो सारे एग्जाम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू नीड टू बी एथिकली एंड मॉरली अपराइट। तो आप जब एथिकली और मॉरली अपराइट रहते हो तभी आप अपना काम ड्यूटीफुली कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका एक डिसीजन बहुत लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करता है। तो इस एग्ज़ाम में थ्योरेटिकली भी और थ्रू केस स्टडीज़ भी यही चीज़ असेस की जाती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। पढ़ाई बहुत लोग कर सकते हैं बट इमोशनली डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप कैसा सोच पाते हैं वो, क्योंकि हम देखेंगे सारी केस स्टडीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उन पर सोचना बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें हम क्या डिसीजन लें, बट एक्चुअल में हमें डिसीजंस वही लेने हैं। तो रियल लाइफ असेसमेंट देता है GS4, तो उसकी तैयारी आपको उस तरह से सोच कर करनी चाहिए रादर देन कोई किताबी भाषा रटने की। इसके लिए ओवरऑल प्रिपरेशन में एक अच्छा प्रिपरेशन हो सके तीनों चीज़ों के ऊपर में, एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड जो पेपर है ओवरऑल है, तो उसके बारे में थोड़े संक्षेप में बताएं कि क्या अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले तो आप इन टर्म्स को समझिए, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, आम चाल की भाषा में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं पर एक सिविल सर्वेंट के लिए ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में बहुत फर्क हो सकता है, तो आप उसको समझिए। और एक और वर्ड है प्रोबिटी, ये तीनों वर्ड्स बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर हैं। क्योंकि आपने तीन वर्ड यूज कर दिए हैं तो आपकी जो श्रोता है उनके दिमाग में जिज्ञासा जाग गई होगी, नहीं तो थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए तीनों शब्द के बारे में। प्रोबिटी का मतलब होता है जहाँ पे पैसों की बात आती है कि आप उनको सही तरह से यूज करें, तो आप मनी को गलत तरीके से ना यूज करें वो प्रोबिटी हो गई। करेक्ट यूज ऑफ मनी क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के पास एक इसका बहुत बड़ा पावर होगा मनी का या डेलीगेशन होगा कि आप इसको यूज करें तो उसको गलत ना यूज करें। तो सही यूज हम जो है उसे और सही जगह तक पहुंचे, सही जगह तक। ऑनेस्टी होता है ईमानदारी, जिसको आप अपने काम को ईमानदारी से करें, मतलब झूठ ना बोले, करप्शन ना हो, वो ईमानदारी। और इंटेग्रिटी होता है इन सबसे भी बियॉन्ड कि आपको कोई नहीं देख रहा आप तब भी कितने ईमानदार हैं, आपकी कॉन्शियसनेस में कितनी ईमानदारी है। और जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि हमारी सोच में, हमारी कथन में और हमारे कर्म में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, वो ये इसलिए इंटेग्रिटी थोड़ा और ऊपर का मायना रखता है। तो एक सिविल सर्वेंट के पास सबसे ज्यादा इंटेग्रिटी होनी चाहिए, जिस चीज के लिए आप शपथ लेते हैं जब ज्वाइन करते हैं कि वे अपनी कंट्री के लिए, एक जो पैट्रियटिज्म है, एक लॉयलिटी है, इस सब की या सर्विस के जो उसके हिसाब से जो है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कितना इंटीग्रेटेड रहेंगे जी, वो बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो आप इन शब्दों के मतलब को समझें, इनके मायनों को समझें, दोनों ही चीज़ें समझें, और उसके बाद आप देखिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ में क्या ऐसे सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पे आपको कोई एक एथिकल कॉल लेना पड़ेगा। जैसे इस बार एक पेपर में क्वेश्चन था विच वॉज रिलेटेड टू कि अगर कोई ऐसा इंडस्ट्रियल प्लांट है जिसके अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट कॉजेज और वो बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कॉल लेंगे? तो वहाँ पे आपका डिलेमा है एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के बीच में, तो आप कैसे उसको हैंडल करते हैं? तो आप उसको बैठ के सोचें कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होंगे, किसी की कॉस्ट ज़्यादा होगी, बेनिफिट्स उस हिसाब से होंगे। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपका हर डिसीजन लोगों के लिए होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। ये आपका फंडामेंटल्स होने चाहिए, लिटमस टेस्ट होना चाहिए, जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है वो आपको करनी है, जो नहीं है वो नहीं। तो उसमें आपको इमोशनली भी बड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा कि आप इमोशनली सोच रहे हो कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं बट वो एथिकली या कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज राइट नहीं, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है। तो ये चीज़ एंड एक ये ओवरऑल यदि हम एक बात कहें केस स्टडी के बारे में, पेपर फोर में बहुत अहमियत रखता है, तो केस स्टडी का एक अप्रोच डेवलप करने के लिए किसी कैंडिडेट को जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे आप? पहले तो समझें उस केस को, आंसर के ऊपर ना भागें, सोचें, मतलब एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सोचें। और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सोचने के लिए आपको अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, आपको उस चीज़ का हिस्ट्री भी पता होना चाहिए, ज्योग्राफी भी पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स भी पता होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल भी पता होना चाहिए, तब जाके आप उस पर सोचें कि ये एक्शंस हो सकती हैं। फिर हर एक्शंस के मेरिट्स और डीमेरिट्स को एनालाइज करें और जो एक्शन आपको लगता है दिल से कि ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो एक्शन का आप कॉल लीजिए। ये चीज़ होती है। ऐसे एक पेपर है जिसके कारण से कई लोग उसको साइड अफेयर नेगलेक्टेड
छोड़ देते हैं, आपने क्या अप्रोच अपनाया था ऐसे पेपर के लिए? ऐसे एक ऐसा पेपर है जिसमें आपकी थिंकिंग एनालाइज होती है और एक वे ऑफ कम्युनिकेशन एनालाइज होता है, जो भी आपकी भाषा है उसमें आपकी पकड़ कितनी अच्छी है और उस भाषा में आप अपनी बात को कितनी सरलता से अच्छे से समझा सकते हो। तो ऐसे के लिए मेरे को लगता है कि आपकी सोच पहली बात तो उतनी डिफाइंड होनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी टॉपिक पे 1000 words लिखने हैं और जो कि आम सोचना आसान नहीं है, तो आप किसी भी टॉपिक को उतना डिटेल में सोचें कि आप 1000 words के लिमिट क्या, 1000 से 1200 1000-1200 words के बीच में आप उसको लिख सकें। फिर आपकी एक कोहरेंस होनी चाहिए थॉट में, ये नहीं कि कहीं से भी कोई भी थॉट आ रहा है तो आप हर थॉट को पहले सोचें कि पहले ये थॉट है, फिर ये देखें पढ़ते समय कनेक्टेड कनेक्ट कर सके कि अच्छा पहले ये बात बोली उसके बाद ये बात है। फिर एक डायनामिक एस्पेक्ट होना चाहिए, एक ही मोनोटनी नहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जैसे कुछ लोग अपने ऑप्शनल को ही ऐसे में दिखा देती हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। एक जनरलिस्ट की तरह हर टाइप पे उस पर सोचें, हर एस्पेक्ट पे सोचें और फिर उसको आप लिखने की कोशिश kind of करें। lateral thinking. Very lateral thinking, that should be there. और किसी भी ऐसे का 3 parts है इसका, जैसे इंट्रोडक्शन है, मिडल है, कंक्लूजन है। जी, इंट्रोडक्शन के बारे में बताइए कि क्या होना चाहिए प्रोसेस में। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए पहली चीज जो आपके रीडर का उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, क्योंकि ऐसी कैसी चीज है जहाँ पे हम अपनी एक्चुअल क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, तो उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उसके लिए आप पोएम्स डाल सकते हैं, कोट्स डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि ये अच्छा, ये रेलेवेंट है, ये अच्छा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट उसको ऐसा ना हो कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाए, उसको इंट्रोडक्शन में ही समझा दीजिए। और मेन बॉडी में क्या होना चाहिए? फिर उस मेन बॉडी पे जो भी टॉपिक में पूछा गया है उसके हर एस्पेक्ट को आप डिटेल आउट करिए, चाहे आप उसको एक ऐसी अप्रोच से देखिए कि आप उसको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंगल समझा दीजिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर समझा दीजिए, जिस भी तरह का आपका थॉट प्रोसेस, सब हालत में कनेक्टेड लगना चाहिए, कनेक्टेड लगना चाहिए, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं लगना चाहिए। आप डेली के एग्जांपल्स डाल सकते हैं, मूवीज के, जो भी आपको लगता है कि रेलेवेंट है वो आप डाल सकते हैं। देन कंक्लूड में, कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जो पूरे एसे को सम अप कर दे, ताकि एग्जामिनर को इमीडिएटली पता चल जाए ओके इसने ये पॉइंट्स लिखे हैं और इमीडिएटली कंक्लूजन हो। एंड सेकेंडली कंक्लूजन शुड बी ऑप्टिमिस्ट, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर लगने चाहिए कि आप एक सोल्यूशन लाए हैं, एक सोच लाए हैं, वो चीज़ ज़रूरी है इससे। बहुत अच्छी बात है। बट एक देखिए, इसमें 2 essay होते हैं, एक दोनों का नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो ज़रा आप लोगों को समझाइए कि दोनों का नेचर में क्या फ़र्क है। जनरली ऐसे में एक टेक्निकल होता है, एक फिलोसफिकल होता है। टेक्निकल ऐसे तो ठीक है, आप उसमें अपनी जनरल स्टडीज़ की नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं, बट क्वेश्चन आता है फिलोसफिकल ऐसे में, जिसमें लोगों को समझ नहीं आता हम इसमें क्या जनरल स्टडीज़ को यूज़ करें। अगेन मुझे लगता है फिलोसफिकल ऐसेज में GS4 बहुत हेल्प करता है, क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे भी लिंक्ड होगा GS4 से। सेकेंडली जो भी करंट इवेंट्स है, तो पूरे साल आप क्या कर सकते हैं, कुछ 10-12-15 इवेंट्स देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, और उसका फिलोसफिकल देखें। जैसे इस बार जो आया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर, पूरे साल उस पर डिबेट था बिकॉज ऑफ ट्रिपल तलाक एंड शबरीमाला जजमेंट, कि अच्छा ये टॉपिक है, 2-4 इससे ऐसे ऐसा आ सकता है। तो ऐसे मुझे लगता है काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल है, आप 15-20 टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाएं एंड हो सकता है कि उन्हीं में से ऐसे आपका आ जाए, उसके आसपास में आपको रेंज मिल जाएगा, आपको रेंज मिल जाएगा, तो आपको यू विल बी कंफर्टेबल राइटिंग। डू यू सजेस्ट कि कम से कम हफ्ते में 10 दिन में एक ऐसे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए? अगेन ये स्ट्रेंथ और वीकनेस पे है, क्योंकि मैं लिटरेचर स्टूडेंट थी तो मुझे राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने तो प्रीलिम्स के बाद लिखना शुरू किया, बट जो नहीं है या जो इंजीनियरिंग बैक, खास करके जो साइंस के स्टूडेंट, जो साइंस हैं जिनकी पढ़ाई ऑब्जेक्टिव रही है, तो वो थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले से। ह्यूमैनिटीज वालों में भी एक प्रॉब्लम होती है कि कई बार कैंडिडेट को इतना ज्यादा डिटेल लिखने की आदत होती है जी, जी, कि वो टू द पॉइंट आ नहीं पाते, इसलिए मेरे ख्याल से इसको जिसको लगे कि नहीं लिख सकते, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर। जैसे मैं शुरू से क्रिएटिव राइटिंग में थी तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगा उसमें, बट जिसकी जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो उस हिसाब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकता है। अब थोड़ी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, किरोरीमल कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई की, लेकिन आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख लिया, तो सबसे पहले बताइए कि किसी भी कैंडिडेट को सब्जेक्ट सिलेक्शन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूँगी जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो बहुत अच्छा सिलेक्शन होता है, क्योंकि आप 3 साल उसमें पढ़ चुके हैं, आपको बेसिक्स पता है। अगर आप अपना ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते तो वो सब्जेक्ट 2-4 देखिए जिसमें आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट है, क्योंकि यूपीएससी की पढ़ाई में आप ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो इंटरेस्ट तो सभी में डेवलप हो ही जाएगा। बस ये देखिए कि कितनी डेप्थ में आप उसका इंटरेस्ट रख सकते हैं। जैसे मुझे हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था, मैंने हिस्ट्री का देखा, बट मुझे ऑप्शनल का सिलेबस देख के नहीं लगा कि मैं इतना रिटेन कर पाऊंगी उसको,
तो मैंने वो हिस्ट्री ऑप्ट नहीं किया। इस तरह से फिर मैंने और दो चार सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई, उनके ऑप्शनल की सिलेबस को स्टडी किया, फिर आप इस पर फिर डिसाइड किया कि नहीं मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना है। बट यहाँ एक क्यूरियोसिटी, खास करके जो आपको वॉच कर रहे हैं लोग, खास कर जिनका इंग्लिश लिटरेचर रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, बैकग्राउंड आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी बैकग्राउंड रहा, बट आपने इंग्लिश लिटरेचर छोड़ क्यों दिया? सर मैं थोड़ी एकेडमिकली मुझे नहीं था कि मैं इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी, क्योंकि एक तो होता है कॉलेज के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर, ठीक नंबर लाना, एक होता है यूपीएससी में, तो मुझे एक वो डर था कि मेरी कॉलेज वाली मेंटालिटी है, मैं यूपीएससी में नहीं कर पाऊँ। मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ये कहना चाह रही हैं कि सब्जेक्ट का बैकग्राउंड यदि उसमें एकेडमिक इंटरेस्ट भी आपका अच्छा रहा है और जेन्युइन इंटरेस्ट है, क्योंकि कई बार कॉलेज में स्टडी पढ़ने में किसी कैंडिडेट को या तो एडमिशन जिस सब्जेक्ट में चाहिए नहीं मिल पाता, या उसमें क्लियरिटी नहीं कि क्या पढ़ना चाहिए तो ले लेता, तो इस सब्जेक्ट में, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जब आप यूपीएससी का सिलेक्ट करना है तो वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें लगता है कि एकेडमिकली भी हम सही हैं, और उसके कारण से आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चुना, आपने एनालिसिस की सारे सब्जेक्ट को, जीएस में देखा कि इसमें है कि इससे मुझे सब्जेक्ट में सपोर्ट भी मिलेगा और अच्छा कर सकते, आपकी रुचि के सब्जेक्ट थे, ठीक है। पब्लिक एडमिशन कितना समय लगा आपको टोटल प्रिपरेशन करने में? 3 से 4 महीने में एक फर्स्ट जो है रीडिंग हो गई थी मेरी पब्लिक एडमिशन। इसका मतलब है कि एक जनरल नया सब्जेक्ट भी यदि हो तो 3-4-5 महीने में एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट यदि रुचि हो तो तैयार हो सकता है। जी जी। ऑप्शनल के प्रिपरेशन में और जीएस के प्रिपरेशन में दोनों में क्या फ़र्क है स्टाइल में? ऑप्शनल बहुत टेक्निकल होना चाहिए, वहाँ पे जेनेरिक नहीं होना चाहिए, बट वहाँ मैं समझती हूँ दो लेयर्स होता है, पहले तो लेयर हो गया टेक्निकल कॉन्सेप्ट का, और दूसरा लेयर होगा एट द एंड आपको हर चीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ दिखानी ही है, तो सेकंड लेयर आपको उसको एडमिनिस्ट्रेशन से और लिंक करे, ये तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी ऑप्शनल हो इसके अलावा, सेकंड लेयर पे कहीं ना कहीं आपको अपने आंसर्स के थ्रू ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप कोई पीएचडी का एग्जाम नहीं लिख रहे हैं, तो टेक्निकल के साथ एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों को मिक्स करें, डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी दिखने चाहिए कि आपने इसको स्टडी की है तो एक पर्पस से, जी पीएचडी की पढ़ाई नहीं लगनी, हाँ जिस सर्विस में आप जा रही हैं, कल आप आईएएस बने, आईपीएस बने, फॉरेन सर्विस में जाएं, तो उसकी यूज एंड एप्लीकेशन कैसे करेंगे, उसमें क्या आपने कुछ अपने भी नोट्स बनाए थे आप? जी मैं किताबों से पढ़ के खुद की नोट्स बनाती थी और फिर उन्हीं को एनालाइज करा और उसी में ऐड ऑन करती रहती थी लगातार न्यूज़पेपर से या करंट जो भी है, एनरिच करते गए। ये नोट्स वर्ड्स भी बड़ा कई बार स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग होता है, उनको लगता है नोट्स बनाने का मतलब बहुत डिटेल एलाबोरेट नोट्स बनाना है, क्या आपने इसे बनाए? नहीं सी मैं नोट्स ये देख के बनाती थी कि मुझे नोट्स पढ़ने कब है, अननेसेसरी एफर्ट नहीं वेस्ट होना चाहिए, और ब्रीफ में हम थोड़ा रिवाइज कर सकें, ब्रीफ में ऐसा नोट्स भी हो जो मुझे ये पता था कि मैं पेपर से 15 मिनट पहले ये वाला नोट पढ़ूंगी, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन कि एग्जामिनेशन से पहले 15 मिनट भी पहले रिवाइज करना हो, उतनी क्लैरिटी से बनाओ, नहीं तो किताबें तो आपके पास है ही, उन्हीं से ही पढ़ते रहो, इट मींस देयर शुड नॉट बी एलाबोरेट नोट्स, नोट्स का मतलब ये होता है कि संक्षेप में अपनी पॉइंट्स रिमाइंड करने के लिए, जो आप लिखना चाहते हैं रिवीजन करने के लिए, आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं वो भी मोटी मोटी किताब लेकर के रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कभी रिवीजन नोट्स अलग बनते हैं, तो उस तरह से मैं बनाती थी, 3 महीने के रिवीजन के अलग नोट्स थे, फिर 1 महीने के अलग थे, 10 दिन के अलग थे, 1 घंटे के अलग थे, 15 मिनट के अलग थे, तो उस तरह से भी मैंने नोट्स को पहले ही प्लान करके बनाया। वो पूरी जो लास्ट आवर की जो तैयारी होती है एग्जामिनेशन से पहले वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिशिता आपके पूरी अप्रोच मुझे लगता है प्री और मेंस में लोगों को बहुत काम आएगा। थोड़ी सी अब बात हम पर्सनालिटी टेस्ट की करते हैं। आपने एक ही इंटरव्यू दिए, एक ही एग्जाम दिए और प्री मेंस इंटरव्यू करके आज ऑल इंडिया 18th रैंक लेकर के बैठी हुई एंड शानदार एक परफॉर्मेंस रहा है, तो सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू के अंदर, क्या देखना चाहते हैं यूपीएससी? मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि तीनों स्टेजेस में सबसे अच्छा इंटरव्यू ही रहा है। इंटरव्यू एक ऐसा है जो आपको बहुत रूम देता है अपनी पर्सनालिटी को शो करने का, इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू एनालाइज, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी आपकी किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से हैं बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं, पहली बात तो इस बात में वो रखें, दूसरी बात आप अपनी बेस्ट पर्सनैलिटी को शो करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 5 बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मौका लाइफ में शायद कभी नहीं मिलेगा, they are all experts, तो आप उनको उनसे कुछ सीखने को ही मिलेगा, तो उनके सामने अपना बेस्ट दिखाइए और ये दिखाइए कि आप एक यूथ हैं, एक स्पिरिटेड यूथ है, एक चीयरफुल यूथ है, कोई परेशान या मायूस होने वाली बात नहीं है, खुशी की बात है, और उसको बहुत अच्छे से बस तैयारी करके जाएं और रिफ्लेक्ट करके आएं कि हमने क्या तैयारी से क्या मतलब है। सिविल सर्विस पर्सनालिटी टेस्ट में नॉलेज का टेस्ट नहीं है ये, कहते हैं कि भाई ये पर्सनालिटी असेसमेंट है, तो आपकी तैयारी से क्या मतलब है? पहले दो तैयारी है, पहले तो है अपनी इमोशनल तैयारी,
तो जो जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आया था तब तक मैंने इमोशनल लेवल पे तैयारी करी। पहली चीज़ तो बहुत लोग इसको एक बैगेज की तरह लेके जाते हैं कि आधा घंटे में हमारी ज़िंदगी डिसाइड हो रही है, आधा घंटा सिर्फ आपका एक करियर डिसाइड करता है। तो वो बैगेज को हटा दीजिए, फेल होने का डर, टॉप आने की इच्छा सब हटा दीजिए और उसको बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाइए। जैसे आप ही कहते हैं कि एंटर लाइक अ ऑफिसर एंड यू विल एग्जिट लाइक एन ऑफिसर, तो उसी तरह से आप एंटर करिए रूम के अंदर। सेकेंड, ये तैयारी आपको पहले ही बैठ के करनी होगी। और दूसरा ये है कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि उनको आपके बारे में उसके अलावा कुछ नहीं पता, तो उससे आपको दिखाना है कि आप क्या है। जो भी आपका डैफ रहा है, मेरा डैफ बिल्कुल ब्लैंक था, मैंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स कॉलेज के समय नहीं किए, बट ये नहीं कि मैं उसके लिए इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील करूँगी, मैं जो भी पर्सनैलिटी है उसको बेस्ट रिफ्लेक्ट कर कर आऊँगी। देखो, ये जो फीलिंग है कि जब आप एक एज एन ऑफिसर इंटर करते हैं तो मेंटली यू आर रेडी कि मैं उसी माइंडसेट कि मैं एक ऑफिसर हूँ, ऐसे नहीं सिलेक्शन होगा बल्कि अब हम ऑफिसर हैं और सीनियर से बात करने जा रहे हैं, तो जब ये डिस्कशन होता है तो माइंड बिल्कुल क्लियर रहता है। एक आज आप ऑफिसर बन चुके हैं, ऑल इंडिया 18th रैंक आ गया, आप IAS बन गई हैं, आपकी क्या सोच है आपके बारे में, आपके मिशन में अभी क्या फीलिंग है कि क्या करना चाह रही हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में जा करके, कुछ ऐसी विजन जो शेयर करना चाहेंगे आप ऑडियंस से? सर, मेरा विजन बस यही है कि जैसे हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हमेशा एक नया इंडिया होगा, तो उसमें हम कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं आज के समय, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो कैसे उस चीज़ को टैप किया जा सकता है, लेवरेज किया जा सकता है और इंडिया को एक बेटर प्लेस बनाई जा सकती है। कैसे हम रूरल अर्बन डिफरेंसेस को हटा सकते हैं, कैसे हम जेंडर एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर सकते हैं अपनी लाइफ्स को इजी और अच्छी बनाने के लिए, और ग्लोबली इंडिया कैसे एक अच्छा और कंट्री बन सकता है, वही एक मिशन रहेगा कि उसी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। रिशिता, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ग्रेट करियर अहेड इन IAS, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। थैंक यू रिशिता, आई एम श्योर आपके जो स्ट्रैटेजी रही है और जो टिप्स हैं उससे हमारे ऑडियंस को बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। ये था आज का हमारा सक्सेस स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते सफलता की एक और नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।